आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के नमकीन पकौड़े, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, पानी और स्वादानुसार नमक। तो आइए शुरू करते हैं हम आटे के नमकीन पकौड़े बनाना। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे का घोल बनाएंगे। इसमें हम घोल बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बहुत गीला हो जाएगा। ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। स्पेशली ये पकोड़े बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। हम ये बिल्कुल छोटे बच्चों को भी ये पकोड़े बना के खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हम मिर्ची का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ नमक ही डलेगा। बच्चे बहुत ही शौक से इसे पसंद करते हैं। ये देखिए, बस हमें इसमें इससे ज़्यादा पानी हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें ये जो थोड़ी सी गुलटियाँ हैं, इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए हटा देंगे। हमें ये गुलटियाँ हटाते हुए उतना ही फेंटना है बस अभी से। ये देखिए, हमने इसमें गुलटियाँ हटाते हुए इसे 5 मिनट तक फेंट लिया है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम पकोड़े बनाते टाइम ही डालेंगे, नहीं तो ये नमक से बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये आटा अच्छे से फूल जाए, फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। 20 मिनट हो गए, हमारा ये आटे का घोल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसमें नमक मिला लेते हैं, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को। हमने इसमें नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने तेल को पैन में अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम पकोड़े तलने से पहले इस घोल में थोड़ा सा 1 चम्मच गरम तेल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे पकोड़े अच्छे बनते हैं। हमने तेल को भी इस घोल में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पकोड़े एक साथ नहीं फ्राई करने हैं, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं। हम थोड़े थोड़े पकौड़े फ्राई करेंगे। हमें इनके दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हम इन्हें पलटते भी जाएंगे।
देखिए हमारे पकोड़े फूलकर अच्छे से ऊपर आने लगे हैं। हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से हल्के ब्राउन कर लेते हैं और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े हल्के ब्राउन होने लगे। और अच्छे से क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे आटे के नमकीन पकोड़े बने हैं। इसी तरीके से हम बाकी के नमकीन पकोड़े भी बना लेते हैं। इन्हें हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आटे के नमकीन पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।